वड्डी खबर सामने आ रही है फिरोजपुर तो, जिथे जयपाल भुल्लर के घर के बाहर एक बार फिर हलचल हो गई है। दसना पड़ता है कि पुलिस वालों घर के बाहर नोटिस लगा दिए गए हैं तो वड्डी गिनती विच पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। दसना बनता है कि मृतक के दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर माणयोग सुप्रीम कोर्ट वालों जो हुक्म दिए गए हैं उन्होंने हुक्मों के पोस्टर बना के पुलिस वालों घर के बाहर लाए गए हैं, जिन्हों मुताबक मृतक देह का दोबारा पोस्टमार्टम करने लिए डॉक्टर का एक टीम का एक गठन किया गया है। मृतक देह नूं सिविल अस्पताल के मोर्चरी विच रखाण दे हुक्म दिए गए सन, पर परिवार वालों इन्हां हुक्मां नूं मनन तो इनकार किया गया है। मैनूं एक लैटर नोट कराया सी कि नाल पहलां मेरी फोन ते गल होई सी इस टीम साहब नाल, उह कहिंदे सी वी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर च लिखिया वी डेड बॉडी दी जिहड़ी आ स्टेट उहदी मतलब मैडिकली हिफाजत करे। तो मैं उन्होंने बेनती की सी, मैं क्या जी इतों वाली जी हैगी मैं पता ही आ, परसनली मैं नौकरी दौरान देखा कि उतों का बुरा हाल आ। तो पी जी आई असी पोस्टमार्टम की बेनती की कोर्ट भी पी जी आई तो ही कराया जाए, तो इस करके कृपा करो कि डेड बॉडी पी जी आई उत्थे जमा करा दी जाए, तो जदों आर्डर आने उदों उतों ही वो लैके तो पोस्टमार्टम कर देंगे। उत्थे छे छे महीने पईयां रहिंदियां उन्हां को सारे प्रबंध है, क्वालीफाई डॉक्टर है। उन्होंने मैं फोन पर ही कहा सी भी असी नहीं कर सकते, असी जिले लेवल तक कर सकते हैं, तो उसके लिए चीफ सैकटरी साहब दे आर्डर ना हो सकता, तो वो तुसी लिख के दो एप्लीकेशन, तो असी चीफ सैकटरी साहब दे भेज के तो उन्हों को परमिशन लैके तो उत्थे कर देंगे। तो मैं कहा सी भी ठीक है जी, मैं एप्लीकेशन लिख के देना। फिर वो सवेरे आए थे एसडीएम साहब, मैं उन्होंने लिखती एप्लीकेशन दिती सी भी उत्थे पी जी आई डेड बॉडी जी जमा कराई जाए, तो जाके दोबारा इतने कारण क्ढन ज होर कोई ना हो सके उत्थे ही हो जाए, उत्थों कट के आपे जो आर्डर आने पोस्टमार्टम करा देंगे। तो उन्होंने फिर उही कहा भी साढ़े आधार खेत्र च नहीं, तो अं भेज के तो दसते हैं चीफ सैकटरी साहब न गल करके दसते हैं, तो असी तो सिर्फ इतें ही कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने वालों एक कापी मैनू रिसीव कराई सी कि असं इतने रख सकते हैं, तो मैं लिखी उन्होंने कापी दी। फैसला है भी पी जी आई का जी इतने प्रशासन जोर दिता भी सिविल हॉस्पिटल इतने रखा जाए, कि तुम इस मामले सहमत हो या नहीं सहमत? मैं तो हर एक चीज़ ना सहमत हाँ, मैं सिर्फ डर आ भी एक चोरी का परचा दे देंगे, जिंदरा तोड़ देंगे, जिंदरा तोड़ के लाश नहीं लभूगी, ये चोरी का परचा दर्ज करे वह कभी ट्रेस नहीं होएगा, वो साढ़े मरिया तो बाद भी ट्रेस नहीं। चोर कौन ने, क्यों चोर कौन हो गए तुहानू पता ही है, क्योंकि सीधा असी पंजाब पुलिस ने तो किया, तो पंजाब पुलिस यदि राखी थोड़ी करूँगी, वो तो चोरी करूँगी, चोरी करके खुर्द फुर्द कर देंगे। तो सिर्फ मैं यही कंशा, मैं अपनी एप्लीकेशन भी ये जाहिर किया कि उत्थे भी ये प्रोटैक्शन ना ही भेजी जाए, ये कोई एक्सीडेंट बना के ज होर अगों अपने बंद एक्सीडेंट करा के लाश में खुर्द बुर्द करके सबूत नष्ट करन दा चारा करनगे। पंजाब पुलिस एक करन दे विच बड़े लंबे दिन तो वकीलों नूं इत्थों घरों फड़ फड़ के ते गुम कर दिंदी है, गैब कर दिंदी है, मार के उन्हां नूं कई कितें रख के सुट दिंदी है, जजां नूं धमकियां मिलदियां ने। तो इस करके पंजाब पुलिस इहो जिहे कार्य करदी आई है कि वो जिहड़े सारे अफसर इहो जिहे करन दे मार नहीं, मतलब समझा जाए भी तुम्हें पी जी आई तो घट मतलब होर कि भी सेफ नहीं लगता। मैं सेफ्टी तो ही कहना भी उत्थे ही पोस्टमार्टम होना, इतने ही मंग नहीं की तो उत्थे ही जमा करा दिता जाए, काम निबड़े। तो मैं वो लिखती उन्हें क्या भी दियो तो वो दिती है। फिर वो डॉक्टर साहब ना गल हुई सी तो वो कहें भी सानू किसी ने डिनाई की है एक वधिया किस्म की रखने वाली छे एक महीने तो। मैं उन्होंने बेनती की सी प्लीज सा तो किराया लै लो जो होर लै लो तो सानू दे दौ, तो अभी तो वह कहें भी असी नहीं दे सकते, ये बारे एस डी एम साहब तो डी सी साहब ना तुसी गल करो। मैं एस डी एम साहब अगर रिक्वेस्ट की भी प्लीज जी पई है किसी ने गिफ्ट की उत्थे तो वो सानू दो दिन लिए तीन दिन लिए दे दौ, असी किराया ज पैसे जो भी है
ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਗਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨੇਰੀ ਚ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਲਾ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਾਪੀ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲਾ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।